करिया चश्मा क्या पहनने छी रे? पिंटू का लग जे निम्मन लागे है। पिंटू के चश्मा दुकान वाला चाजी गाल है। ठीक है दोस्तों, आज के एक हफ्ते पहले मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि भाई जैक्सन हॉल्ट के ट्रेलर पर रिव्यू करो। तो मैंने सोचा क्या चीज है ये, अगर ये किसी फिल्म का ट्रेलर होता तो भाई इतना हु हल्ला होता, लोग वीडियो शीडियो बनाते तो पता भी चलता। मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, मैंने सोचा कि ये कोई यूट्यूब वीडियो वीडियो का ट्रेलर होगा। बट जैसे जैसे दिन बीतते गए ना भाई साहब, ये फरमाइशें तेज होने लगी। अब तो हालत ये है कि अगर आप मेरी वीडियो के कमेंट में जा करके देखेंगे तो हर दूसरा कमेंट यही है कि जैक्सन हॉल्ट का रिव्यू करो। मैंने सोचा क्या चीज है भाई, इतने लोग कह रहे हैं, सब लोग बावड़े तो नहीं हो गए ना, कुछ तो बात है। फिर मैंने YouTube पर सर्च किया तो मुझे एक YouTube चैनल मिला जिसका नाम है बेजोड़, और यहीं पर मुझे ये ट्रेलर मिला जिसका नाम है जैक्सन हॉल्ट। मैंने इसको देखा, पूरा देखा, और सच बताऊं तो ये ट्रेलर देखने के बाद ना मेरा जो फर्स्ट और पहला रिएक्शन था वो कुछ ऐसा था। अगर एक लाइन में मैं इस ट्रेलर का रिव्यू करूं तो मैं यही कहूंगा कि भाई साहब मास्टरपीस है। मैं दिल से आपको बता दूं कि भाई साहब जब पहली बार मैंने इसको देखा मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मैथिली फिल्म का ट्रेलर है। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि ये कोई हॉलीवुड की फिल्म है, मैथिली में इसको डब कर दिया है। लेकिन जब ट्रेलर थोड़ा सा आगे बढ़ा और मुझे दिखे दुर्गेश सर, देख रहा है बिनो, कसम से बता रहा हूँ यार मैं शॉक्ड हो गया यार, ये तो सच में मैथिली फिल्म है। मतलब भाई यूं समझ लो कि हीरा है हीरा। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। देखो अगर यही ओरिजिनल चैनल है, कई बार क्या होता है ना कि ट्रेलर कहीं और आता है और लोग डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल लेते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया है और यहीं पर अगर ये ट्रेलर फर्स्ट टाइम अपलोड किया गया है तो मैं कहूँगा कि व्यूज़ बहुत कम है। और इसकी वजह यह है कि मतलब यूँ समझ लो इन लोगों के पास एक हीरा है और उस हीरे को ये लोग पैंट के पॉकेट में छुपा कर पूरा गाँव घूम के आ गए, और आने के बाद कहेंगे कि देखो हमारे हीरे को किसी ने देखा ही नहीं। भाई साहब जब जेब से बाहर निकालोगे तब तो लोग देखेंगे, सबके पास मोबाइल है, फ्री इंटरनेट है, लोग तो बेताब हैं देखने के लिए, दिखाओ तब तो। मतलब मैं फिल्म ट्रेलर या टीजर का समीक्षा करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, मुझे पता नहीं है, बताओ आम लोगों को क्या पता होगी। रिलीज करने से पहले थोड़ा हु हल्ला करना चाहिए, कुछ यूट्यूबरों से संपर्क करना चाहिए कि भाई हमारी ट्रेलर आ रही है, लोगों को पता होगी तब तो उसके बारे में बात करेंगे, तब तो जनता तक बात पहुँचेगी। चुपके से फिल्म बनाया, एक गुमनाम यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, जिम्मेदारी खत्म। भाई अच्छी फिल्म बनाई है आप लोगों ने, बहुत तगड़ा है, इसका प्रमोशन करो। हाँ ये है कि ट्रेलर देखने के बाद ये लगता है कि फिल्म का जो बजट है वो बहुत कम है, और इतने कम बजट होने के बाद भी जो सबसे शॉकिंग चीज मुझे लगी वो लगी इस फिल्म का BGM, इसका म्यूजिक। बापी भट्टाचार्य ने इस फिल्म में म्यूजिक दिया है भाई साहब, और मैं कहूंगा ओहो क्या म्यूजिक है भाई साहब। जितने में ये फिल्म बनी है ना उतने में तो खाली इसका म्यूजिक ना आए। मतलब इस फिल्म में पैसे कम खर्च करके मेहनत ज्यादा की गई है। जैसे आप देखते होंगे ना अमेरिका की स्पेस एजेंसी NASA, जब वो कोई रॉकेट लॉन्च करती है तो उसका बजट कितना होता है, उसकी कॉस्ट भारी भरकम होती है। लेकिन जब वही रॉकेट इंडिया लॉन्च करता है तो उससे कई गुना कम खर्च पे रॉकेट लॉन्च कर देता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कम पैसे में मेहनत ज्यादा की जाती है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो देश के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो कम पैसे में मेहनत ज्यादा करते हैं। ठीक उसी तरह से इस फिल्म में जितने लोगों ने काम किया है उन लोगों ने पैसे के लिए नहीं बल्कि फिल्म के लिए काम किया है कि हमें एक अच्छी फिल्म देनी है। वरना अगर आप देखेंगे जो इसमें दुर्गेश सर है, ये पंचायत वेब सीरीज में कितना बड़ा रोल कर चुके हैं, कितने फेमस व्यक्ति हैं। इस फिल्म में जितना पैसा खर्च किया गया है उतना तो उनके अकेले की फीस होगी, लेकिन उतने में ही पूरी फिल्म बना दी गई है और इस फिल्म में वो काम कर रहे हैं। मतलब सोचो कि वो कितने कम फीस लेकर के काम किए होंगे, क्योंकि इन लोगों को मेहनत करके एक अच्छी फिल्म बनानी है, और यहाँ पर वो मेहनत साफ दिख रही है भाई साहब। एक नंबर का मास्टरपीस फिल्म है। राक्षस थी। राक्षस। इस फिल्म को बनाई है नितिन नीरा चंद्रा ने,
इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी है। और भाई साहब मैं एक ही बात कहूंगा कि यार बंदे ने क्या बनाई है, बट मैं गाली देने का मन कर रहा है तुमको यार। अबे हीरा रखे हो तो बताओ ना भाई, मेरे पास हीरा है, बढ़िया फिल्म बनाए हो यार, प्रमोट करो इसको जम के। राम बहादुर रेणु, निश्चल अभिषेक, दुर्गेश कुमार, पीयूष कुमार, निभा झा, विजय शाह, शिवानी संडिलिया, ये लोग इस फिल्म में मुख्य रोल में हैं। और भाई साहब जो एक्टिंग की है इन लोगों ने, आप भी देखो एक बार। करिया चश्मा क्या पहनना छीरे? पिंटू का अलग जिनिमल लागे है। पिंटू के चश्मा दुकान वाला एकदम नेचुरल, कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी नकली पना दिख रहा है, इसे कहते हैं नेचुरल एक्टिंग। इस जगह पर अगर मान लो ये फिल्म नहीं होता, सच में अगर कोई ऐसा दृश्य होता, तो भी जवाब देने वाला आदमी ऐसे ही जवाब देता ना। पिंटू का अलग जिनिमल लागे है। पिंटू के चश्मा दुकान वाला, इसे कहते हैं मास्टर एक्टिंग। ऐसी एक्टिंग में कुछ भी फेक नहीं लगता, कुछ भी नकली नहीं लगता, और जो ऐसी एक्टिंग कर ले वो होता है असली एक्टर। देखो वैसे तो मुझे मैथिली ज्यादा समझ में नहीं आती है, बट मैंने ये जब ट्रेलर देखा तो इसमें मैथिली लैंग्वेज जो है वो हिंदी और भोजपुरी से मिलता जुलता है, तो ज्यादातर मुझे समझ में आ गई है। और मैं कहूंगा कि भाई ये फिल्म धमाका है, ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए, आगे लाना चाहिए, टैलेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। अर्चित डी रस्तोगी, अगर ये बंदा तुम्हें कहीं मिल जाए ना तो पटक के चुम्मा ले लेना, मतलब गजब का एडिटिंग किया है। देखो कहानी क्या है वो तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ में आता है, भाई ये एक थ्रिलर फिल्म है, सस्पेंस होगा इसमें दबा करके, जो आपको फिल्म में लास्ट तक एकदम बांधे रखेगा। आप सोचते ही रहोगे कि भाई आगे क्या होगा यार, आगे क्या होगा, अरे जल्दी दिखाओ यार आगे क्या होगा, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल धक धक करने लगेगा। लेकिन हाँ, जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ है वो ये है कि लास्ट में इसमें लिखा हुआ है रिलीजिंग ऑन 5/5/2023, यानी कि 5 मई को ये फिल्म रिलीज होगी www.bejor.in पर। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब किसी वेबसाइट पर ये लोग रिलीज करने वाले हैं, सिनेमा हॉल में क्यों नहीं? कितने लोगों के पास आपके वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन होगा? क्या आप पैसा लेकर दिखाने वाले हैं उस वेबसाइट पर, या फ्री में दिखाने वाले हैं? फ्री में दिखाना या तो यूट्यूब पर डाल दो, या तो फिर सिनेमा हॉल में रिलीज़ करो। मुझे तो लगता है कि ये सिनेमा हॉल में देखने लायक फिल्म है, अच्छी फिल्म है, और अगर ये सिनेमा हॉल में 5 तारीख को रिलीज होगी तो आपको लिखना चाहिए था। ये www.bejor.in मतलब समझा नहीं मैं क्या, ये इसी वेबसाइट पर ये फिल्म क्यों रिलीज होगा? OTT प्लेटफॉर्म होता तो समझ भी सकते थे कि हाँ चलो, ये भाई क्लियर करो इसको, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये। बाकी ओवरऑल लास्ट में मैं यही कहूँगा कि भाई धमाका है, ऐसी फिल्में बननी चाहिए, और हमारा भी दायित्व है कि हम ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करें, ऐसी फिल्मों को आगे लेकर आएँ। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर भी करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हाँ हमारे यहाँ ऐसी भी फिल्में बन रही हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, कोई बात बात करनी है तो आओ मैसेज करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।